हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ आप सब अच्छे होंगे। चलिए आपसे फिर बात करने के लिए मैं पहुँच गया हूँ। जिस चैप्टर पे हमने शुरुआत की थी, शेयर कैपिटल द बिगनिंग, आज वहाँ से ये पहली सीढ़ी हम चलने जा रहे हैं। चलिए, कंपनी शेयर इशू करती है दो तरह से। नंबर वन, इशूड फॉर कैश। नंबर टू, इशू टू वेंडर्स। हम सिलसिलेवार डिटेल में बात करेंगे। इशूड फॉर कैश में सबसे पहला पॉइंट है फुली सब्सक्राइब, जिसका मतलब कंपनी ने जितने भी शेयर मार्केट में ऑफर किए, पब्लिक ने वो सारे शेयर खरीद लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? फुली सब्सक्राइब। इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, इशूड एट पार एंड इशूड एट सिक्योरिटी प्रीमियम। एट पार का मतलब क्या है? कि कंपनी ने शेयर अगर रुपीज 10 का ऑफर किया तो मार्केट में भी ऑफर कितने का किया उन्होंने? 10 रुपए का। इसे हम कहते हैं एट पार, मींस शेयर इशूड एट सेम रेट विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी। सेकंड ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने जो शेयर सेल किया वो किया मोर देन इट्स फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मींस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शेयर, एंड कंपनी ने उससे ज्यादा प्राइस पे सेल किया। सपोज अगर कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपी है, कंपनी ने उसे सेल किया एट द रेट ऑफ 12, सो एक्स्ट्रा जो चार्जेस 2 रुपीज है वो कंपनी का सिक्योरिटी प्रीमियम है। इसे हम कहते हैं शेयर इश्यूड एट सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सारी बातें मैं फुली सब्सक्राइब के हेड के अंडर कर रहा हूं, ठीक है? तो फुली सब्सक्राइब में एट पार, विच मीन्स शेयर इश्यूड एट फेस वैल्यू, एट सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर इश्यूड एट मोर देन फेस वैल्यू। सेकंड सेगमेंट है ओवर सब्सक्राइब। इसमें भी कंपनी शेयर दो तरह से सेल करती है, एट पार एट सिक्योरिटी प्रीमियम। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है? कि कंपनी ने सपोज 50,000 शेयर्स का ऑफर किया, कितने? 50,000। याद आया कुछ? पूरे 50,000। सुना? याद आया? पूरे 50,000। चलिए, कंपनी ने 50,000 शेयर ऑफर किए और पब्लिक ने अप्लाई कर दिए 70,000, 80,000, यानी जितना मैंने शेयर सेल करने की कोशिश की लोगों ने उससे ज्यादा के लिए अप्लाई किया, इसे ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। और ये साहब का अपना वही प्रोरेटा, समझ गए होगे? ओवर सब्सक्राइब का मतलब ही तो प्रोरेटा है। कंपनी यहां पर ओवर सब्सक्राइब में दो ऑप्शन लेती है। जिन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई किया, कंपनी उनके या तो पैसे रिफंड कर देगी, जिसे हम रिजेक्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं, या उनको एडजस्ट करेगी, जिसे हम प्रोरेटा कहते हैं। और आखिर में अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि कंपनी जो शेयर्स ऑफर करती है, पब्लिक उससे कम अप्लाई करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्राइब। जैसे कंपनी ने 50,000 शेयर्स का ऑफर दिया और पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया? से अबाउट 40,000, 45,000। इस केस को अंडर सब्सक्राइब कहते हैं। ये भी दो तरह से ही होता है, एट पार एट सिक्योरिटी प्रीमियम। चलिए अब आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखाते हैं। तो एक एग्जांपल है आपके सामने, स्क्रीन पे आपके आया हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी ने शेयर इशूड किया एट पार। एट पार मीन्स शेयर इशूड एट नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपीज 10। कंपनी इसकी इंस्टॉलमेंट में पैसे चार्ज करती है। एप्लीकेशन रुपीज 3, अलॉटमेंट रुपीज 3, फर्स्ट कॉल रुपीज 2 एंड फाइनल कॉल रुपीज 2। अब यहाँ से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं, यानी जनरल एंट्रीज की ओर। बिफोर द स्टार्ट ऑफ जनरल एंट्री, लेट्स अंडरस्टैंड द रूल ऑफ शेयर कैपिटल। एज पर जनरल एंट्री रूल अप्लाई होता है पर्सनल अकाउंट का, विच मीन्स डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर। प्लस वन में आपने एक एंट्री अंडरस्टैंड की होगी, कमर्स बिजनेस विद कैश, जिसका एंट्री था कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। सिमिलरली शेयर कैपिटल का मतलब भी सेम ही है। हाँ, द ओनली डिफरेंस, इंस्टेड ऑफ कैश हम क्या यूज करते हैं? बैंक, क्योंकि पेमेंट बैंक के थ्रू आता है। सो हमारे लिए रिसीवर बैंक हुआ, गिवर हुआ शेयर होल्डर फॉर कैपिटल। एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स आप देखेंगे, अगर आप उसका सम अप करेंगे तो एक ही एंट्री है, वो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। चलिए एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जाम्पल देकर। कंपनी ने शेयर इशूड किए एट पार ऑफ रुपीज 10, हमने उसका सेगमेंट बनाया, एप्लीकेशन रुपीज 3, अलॉटमेंट रुपीज 3, फर्स्ट कॉल रुपीज 2, फाइनल कॉल रुपीज 2। अब ट्रांजेक्शन की एंट्रीज जो इस तरह से बनेंगी, नंबर वन,
पहली एंट्री है जब पैसे बैंक में आएंगे तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। तो रिसीवर बैंक हुआ, गिवर शेयर होल्डर हुआ फॉर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन शेयर होल्डर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए यहां पे रूल कौन सा हुआ, पर्सनल अकाउंट। अब हम शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर किस में करेंगे, कैपिटल में, यानी फाइनल क्लोजिंग करेंगे शेयर एप्लीकेशन बने की। तो क्या एंट्री बन गई, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर हम इन दोनों एंट्रीज को समअप करें तो इसमें से शेयर एप्लीकेशन को आप निकाल दीजिए, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में वो क्रेडिट है, सेकेंड एंट्री में डेबिट है, तो वापस में नलीफाई इफेक्ट हो गया। फाइनल रिजल्ट क्या निकला आप देख रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री है शेयर अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। क्यों है ये एंट्री, क्योंकि हम पहले अमाउंट ड्यू करते हैं, अमाउंट ड्यू कर रहे हैं, तो शेयर होल्डर डेटर है शेयर अलॉटमेंट मनी का, जिसे हम ट्रांसफर किस में करेंगे, शेयर कैपिटल। तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन पहले आएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, जितने भी पैसे हमें रिसीव हुए। अब इन दोनों ट्रांजैक्शंस में अलॉटमेंट को समअप कर लो, अलॉटमेंट यहां पे फर्स्ट एंट्री में डेबिट है, सेकेंड एंट्री में क्रेडिट है, तो आपस में ये क्या हुआ, नलीफाई हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या रहा, अगेन बैंक टू शेयर कैपिटल। सिमिलरली फर्स्ट कॉल भी यही एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सेकेंड एंट्री वही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इन दोनों को भी सेगमेंट को समअप करो, फर्स्ट कॉल पहली एंट्री में डेबिट, दूसरी में क्रेडिट, क्या बन गया, बैंक टू शेयर कैपिटल। एंड सिमिलरली इन फाइनल कॉल, तो एंट्री क्या बनेगी फाइनल कॉल की, फर्स्ट वन शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, सेकंड बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। समअप करिए, फाइनल रिजल्ट बैंक टू शेयर कैपिटल। आप देख सकते हैं कि इस पूरे सेगमेंट में ट्रांजैक्शन तो एक ही है, बस उसको इंस्टॉलमेंट में कंपनी ने चार्ज किया, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। चलिए एंट्री को याद रखने का आसान तरीका भी है, समझने का आसान तरीका है, याद रखने का, समझने का, जो आपका दिल करे उसका तरीका। फाइनली एंट्री तो है बैंक टू शेयर कैपिटल। सिर्फ पहली दो ट्रांजैक्शन ध्यान में रखिए बस, कौन सी है पहली, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये दो ट्रांजेक्शन ही है, बाकी इसका रिवर्स है देख लो, यानी बैंक वाली ट्रांजैक्शन बाद में आएगी, कैपिटल वाली पहले आएगी, ठीक है। चलिए फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, कंपनी ने शेयर 10 रुपी का बेचा, यहां पे उनके एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। पहली एंट्री क्या थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जहां सेकेंड एंट्री खत्म होती है वहीं से थर्ड स्टार्ट होती है, सेम एप्लीकेशन की जगह क्या लगा दीजिए, अलॉटमेंट, देखो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसके बाद बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, फिर क्या बना, अब देखो स्क्रीन पे फर्स्ट कॉल है, दो एंट्रियां बनेंगी, कौन सी बनेगी पहली, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल की क्या एंट्री बनी, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। समझ आ गया, क्लियर। अब यहां से एक दर्दनाक स्टोरी स्टार्ट होती है मेरे बच्चे, दर्दनाक। कंपनी शेयर होल्डर से जब इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती है, क्या सभी उनको पैसे दे देते होंगे, बोलो दे देते होंगे, नहीं। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो पैसे नहीं दे पाते, कारण कोई भी रहो, लेकिन यह दर्दनाक हादसा आपके साथ हुआ, क्योंकि आपने अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करनी है और कंपनी के साथ। देखो गलती किसी की, सुधार आप और मैं रहे हैं। चलिए इस दर्दनाक हादसे को समझते हैं, इस हादसे को कहते हैं कॉल्स इन एरिया। क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरिया, दर्दनाक। कंपनी ने शेयर होल्डर को कहा भाई पैसे दीजिए, शेयर होल्डर ने नहीं दिए। जब शेयर होल्डर पैसे नहीं देता, इस टर्म को क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरिया। क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरियर का मतलब यह है कि कंपनी को शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। अगर कोई हमें पैसे ना दे वो हमारा डेटर कहलाता है, तो इसलिए कॉल्स इन एरियर को हम अकाउंट्स की दुनिया में क्या करते हैं, डेबिट। कहीं पे भी कॉल्स इन एरियर हो सकता है,
चलिए ये थ्री सिचुएशंस हैं। कॉल्स इन एरियर अगर अलोंग विद अलॉटमेंट है तो एंट्री ये है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अगर सिमिलरली फर्स्ट कॉल पे है तो एंट्री ये बनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, एंड सिमिलरली विद द फाइनल कॉल। आपको क्या लगता है, कोई आपको दर्द पहुंचाएगा आप उसे बख्श दोगे? बोलो, नहीं बख्शोगे ना। कंपनी भी यही करती है, शेयर होल्डर को कहती है हम आपके शेयर कैंसिल कर रहे हैं, तुमने हमें दर्द पहुंचाया, हम आपको कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्लियर हो गया, फोरफीचर का मतलब, शेयर फोरफीचर का मतलब है कंपनी ने शेयर होल्डर के शेयर कैंसिल कर दिए, उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया, दर्द दिया था दर्द लौटा दिया, उसको कंपनी से निकाल दिया। अब यहां पर कंपनी शेयर फोरफीट करेगी। यार क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर हम पूरा सभी को समअप करें तो एंट्री ऑफ फाइनल ये रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये समअप मनी बनी। समअप एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, डन। अब कंपनी शेयर कैंसिल करेगी, स्क्रीन पे ये एंट्री आप देख लीजिए। कैंसिल कैसे होता है, दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कैंसिल कैसे होता है, रिवर्स करके। अब इस एंट्री को रिवर्स करो, क्या बना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। अब बैंक कंपनी पैसे लौटाएगी नहीं, तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, शेयर फोरफीचर, यानी कैंसल्ड मनी इन द पावर ऑफ कंपनी, रिटेन बाय कंपनी, कॉल्ड शेयर फोरफीचर। इसके बाद कंपनी क्या करेगी, शेयर रीइशू, क्या करेगी, शेयर रीइशू। तो क्या एंट्री बनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। हो सकता है कि इसमें डिफरेंस जनरेट हो, शेयर इशू कई बार कंपनी लोअर प्राइस पे कर सकती है, 10 रुपये का शेयर है तो 8 में अगर इशू करे तो डेबिट क्या होगा, शेयर फोरफीचर। सिमिलरली अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड आएगा, तो अगर इसका अलग कंपनी ना हाई रेट पे बेचा तो हम क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और आखिर में कंपनी जब शेयर रीइशू करेगी तो उनको प्रॉफिट हो सकता है, तो उस प्रॉफिट को कंपनी ट्रांसफर किसमें करती है, कैपिटल रिजर्व में। तो फाइनल ट्रांजेक्शन क्या बनी, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ये तो थी इंट्रोडक्शन टू जनरल एंट्रीज।